हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज़ निकिता एंड हैव कम्प्लीटेड माई एम टेक फ्रॉम फ्राम वी आई टी वेलोर और मैं करेंटली वर्क कर रही हूँ एट एक्सिस कॉलेजेस कानपुर तो आज के सेशन में जो हम बात करेंगे वो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में होगा उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स होंगे उसकी जॉब प्रोफाइल्स होंगी गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिया है हम उसके बारे में बात करेंगे सो लेट्स बिगिन सो so, बायोटेक्नोलॉजी की भी एक हिस्ट्री है और हर सब्जेक्ट की एक हिस्ट्री होती है क्योंकि हमें उससे पता चलता है कि वो सब्जेक्ट कहाँ से ओरिजिनेट किया है अब बायोटेक्नोलॉजी को अगर हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर दें उस वर्ल्ड को तो क्या बनेगा बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी तो बायोलॉजी हमने स्कूल लेवल में भी पढ़ा है वो एक होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की स्टडी तो उसको हम बायोलॉजी बोल लेते हैं और टेक्नोलॉजी क्या है टेक्नोलॉजी होता है जब हम अपने साइंटिफिक नॉलेज को कुछ मशीनरी के द्वारा इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो डैट इज़ वॉट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी तो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हम कैसे टेक्नोलॉजी से यूज़ करके एक कमर्शियल प्रोडक्ट बना रहे हैं डैट इज़ कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी अब बायोटेक की हिस्ट्री क्या थी बायोटेक की हिस्ट्री ये थी कि देर वॉज अ साइंटिस्ट एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे कार्ल एरिके जो हंगरी को बिलोंग करते थे और उन्होंने ये बायोटेक टर्म दिया था इन 1990. उनके पास क्या था एक स्लॉटर हाउस था फॉर पिग्स तो वो 50,000 थाउजेंड पिग्स अपने एक फार्म में रखते थे और उसकी ब्रीडिंग कराते थे एंड फॉर दे हैड अराउंड 10,000 थाउजेंड पिग्स जो वो रेस करते थे एनुअली तो उनका पूरा फंडा ये था कि वो कैसे एक रॉ मटेरियल को एक यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करें जो कि ह्यूमन्स के लिए बेनिफिशियल होगा ओके नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिशनल मोड ऑफ़ बायोटेक्नोलॉजी अब ट्रेडिशनल आपको ये वर्ड कैसा लग रहा है एक पुराना पुराने ज़माने में जिसको हम कहते थे उसको हम ट्रेडिशनल मेथड्स कहा करते थे तो बायोटेक्नोलॉजी के ट्रेडिशनल मेथड्स में क्या आते थे ब्रीडिंग आते थे ब्रीडिंग हम प्लांट्स में भी करते थे और एनिमल्स में भी करते थे तो इसमें ट्रेडिशनल मेथड्स में क्या होता था कि एंशियट वेज ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर मेकिंग प्रोडक्ट्स तो फॉर एग्जांपल अगर ये कोई एक प्लांट है प्लांट ए एंड दिस इज अ प्लांट बी अब सपोज इस प्लांट ए की कुछ एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या ट्रेट है फॉर एग्जांपल इस प्लांट ए का जो टॉल है वो काफ़ी टॉल है लंबा प्लांट है तो इसका हमने इस प्लांट के साथ ब्रीडिंग करा दिया या क्रॉस ब्रीडिंग करा दिया तो उसकी जो ऑफ स्प्रिंग्स हमें मिलेंगी वो टॉल मिल जाएंगी तो ये एक पुराने तरीके थे जो लोग इस्तेमाल करते थे इन केस ऑफ ट्रेडिशनल मोड ऑफ़ बायोटेक्नोलॉजी लेकिन इसमें अंतर क्या था कि हमें अब ये पता है कि ये ब्रीडिंग बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है बट जब पुराने टाइम में लाइक फाइव थाउजेंड टेन थाउजेंड ईयर्स अगो वेन पीपल वर यूजिंग ऑल दिस तो उनको ये पता नहीं था कि ये बायोटेक्नोलॉजी का ही एप्लीकेशन है और दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसमें ट्रेडिशनल मोड में बताऊँ तो एक होता है कि डो का डो से जब हम ईस्ट एक्ट करवाते हैं तो एक ब्रेड बनता है सो दिस इज अ डो दो मतलब हो गया आटा जो कि हमारे घर में नॉर्मली प्रेजेंट रहता है और जब इसके ऊपर यीस्ट काम करता है एंड वॉट इज द यीस्ट यीस्ट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इस डो पे काम करता है और ब्रेड बनाता है सो so, ये सारे तरीके बहुत पुराने थे लेकिन लोगों को पता नहीं था कि वो बायोटेक्नोलॉजी के ही अंडर में आते हैं ओके नाउ वी विल टॉक अबाउट वाट मॉडर्न बायोटेक है okay, अब uh, बायोटेक में हमने ट्रेडिशनल मेथड्स तो पहले ही देख लिया कि ट्रेडिशनली कैसे हम ब्रीडिंग करवाते थे प्लांट्स में और प्रोडक्ट्स बनते थे नाउ वी टॉक अबाउट मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी तो इसमें क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म में जीन्स का हम मैनिपोलेशन कर देते हैं जैसे कि नाउ ये क्या है ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का और डीएनए क्या है डीएनए इज अरिडेटरी मटीरियल जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है और हमारे फ्यूचर जेनरेशन में ट्रांसफर होता है तो इस हेलिकल स्ट्रक्चर में बहुत सारे बेसिस होते हैं बेसिस इन बेसिस से और जो है शुगर्स और फॉस्फेट बैकग्राउंड से बन के ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का तैयार होता है जिसको कि हम डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं अब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के केस में क्या होता है कि हर ऑर्गेनिज्म में ये प्रेजेंट रहता है डीएनए एन इज प्रेजेंट तो जब हम डीएनए के साथ छेड़छाड़ करते हैं छेड़छाड़ इन सेंस कि हमने उसको मैनिपुलेट किया एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए निकाल के जीन्स निकाल के दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल दिया तो इस पूरे प्रोसेस को हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का एक टर्म दे देते हैं तो व्हाट इज़ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल मैन्यूपुलेट होता है और वो कमर्शियल प्रोडक्ट्स बनाता है दिस इज़ कॉल्ड एज मॉडर्न बायोटेक अब इसका एग्जाम्पल है डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट्स इसके कई एग्जाम्पल्स है बट वन द फ्यू एग्जाम्पल्स इज डिजीज़ रेजिस्टेंस प्लांट डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट्स का मतलब क्या है कि एक प्लांट की कोई वेराइटी है और एक दूसरी प्लांट की वेराइटी है अब सपोज एक प्लांट किसी भी इंसेक्ट से रेजिस्टेंट है मतलब उसके ऊपर उस इंसेक्ट का कोई भी असर नहीं हो रहा है तो हमने मॉडर्न बायोटेक से क्या किया हमने उस प्लांट से जीन को आइसोलेट कर लिया उसका डीएनए आइसोलेट कर लिया और दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र कर दिया जो कि जस्ट उसके बगल में ग्रो कर रहा था नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड कि जब जीन ट्रांसफ़र हो गया है तो सेकंड प्लांट भी इंसेक्ट से रेजिस्टेंट हो गया है तो जब जीन्स का अदला बदली हुई है तो ऑल दिस कम्स अंडर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फार बेटर एप्लीकेशन है मोर दैन एशियंट टेक्नोलॉजी जो एंशेंट में यहाँ पर जीन का मैन्युपलेशन नहीं होता था बट मॉडर्न में जीन का मैन्युपलेशन भी होता है अब एक और एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो मॉडर्न बायोटेक के, के केस में आप देखेंगे जीन थेरेपी का ना वट इज़ जीन थेरेपी जीन थेरेपी ये होता है कि कोई भी एक इंसान है अगर हम इंसानों की बात करें तो उसमें कोई एक डिजीज़ हो रहा है सपोज सिस्टिक फाइब्रोसिस एक काइंड ऑफ डिज़ीज़ है अगर वो एक पर्टिकुलर डिज़ीज़ किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो रहा है तो हम उसकी जीन्स को ऑल्टर कर देंगे यानी कि जो जीन वो डिज़ीज़ कॉज कर रहा है तो हम उस जीन को या तो उस बॉडी से रिमूव कर दें या तो उस जीन में हम कुछ चेंजेस ले और चेंजेस हम कैसे लाएंगे इन बेसिस को मैनिपुलेट करके फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर एक ए बेस है और हमने इस ए बेस को रिमूव कर दिया इसकी जगह हम टी बेस ले आए तो ऑब्वियसली उसका जेनेटिक मेकअप जो है उस ऑर्गेनिज्म का बदल गया है सो so, जब जेनेटिक मेकअप बदल गया है तो उसमें डिज़ीज़ की होने की टेंडेंसी भी बदल जाएगी यानी कि पहले अगर किसी को सिस्टिक फाइब्रोसिस डिज़ीज़ था तो उस जेनेटिक चेंज के बाद वो डिज़ीज़ नहीं होगा तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ़ द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी ओके नाउ वील स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वैसे तो बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजी के टाइप्स हैं लेकिन जैसे कि आपने रेनबोज में देखा होगा उसके बहुत सारे कलर्स होते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी को भी हमने हर एप्लीकेशन को एक कलर कोड दे दिया है कि वो जिस फील्ड में यूज़ होगा तो हम उसको एक पर्टिकुलर कलर दे देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो ये रेड बायोटेक्नोलॉजी है इसका एप्लीकेशन जब मेडिकल फील्ड में होता है या फिर हॉस्पिटल्स में या आप किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में उसका एप्लीकेशन लेकर आते हैं तो हम उसे रेड बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं करंट स्टेज में आपने इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखा होगा वैक्सीनेशन फॉर कोविड देर इज़ अ फार्माजाइंट एस आई आई दैट इज़ अ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसने वैक्सीन बनाई है कोविशील्ड तो वो सारी एप्लीकेशन उसकी हम एक टर्म दे देंगे रेड बायोटेक का बिकॉज इट इज़ बी यूज इन केस ऑफ मेडिकल फील्ड नाउ कम्स ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी अब ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी आपको नाम से पता चल रहा है कलर से पता चल रहा है ग्रीन का मतलब क्या है हरियाली बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है आपके आसपास. तो ग्रीनरी हमें कहाँ से बनती है पेड़ पौधों से सो इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विथ एग्रीकल्चर जब बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन आप एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं तो हम उसको एक नाम दे देते हैं ग्रीन बायोटेक अब ग्रीन बायोटेक का अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो वॉट हैपन वॉज इन केस ऑफ नाइनटीन सिक्सटीज़ इंडिया में बहुत ज़्यादा फैमिन हुआ था, 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 था। मतलब हंगर बहुत ज़्यादा यू नो लोगों को खान भुख मरी जैसे कहते खाने को कुछ नहीं मिल रहा था इन दैट केस व्हाट हैपन वाज हमारे इंडिया के एक साइंटिस्ट है एम एस स्वामीनाथन जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा अपने स्कूल टाइम्स में भी सुना होगा वो ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए और वॉट वॉज ग्रीन रेवोल्यूशन ग्रीन रेवोल्यूशन ये था कि वो बाहर से उन्होंने हाइब्रिड सीड्स इम्पोर्ट करी थी व्हीट की और राइस की ना इफ आई से हाइब्रिड हाइब्रिड का मतलब क्या होता है हाइब्रिड एज ए नेम सजेस्ट प्योर नहीं है हाइब्रिड मीन्स किसी दो चीज़ों से मिल के एक अगर थर्ड कॉम्पोनेंट बन रहा है तो हम उसको हाइब्रिड बोल देते हैं तो उन्होंने क्या किया था उन्होंने हाइब्रिड सीड्स मंगवाई थी वीट की और राइस की जिससे कि इंडिया में वो भुखमरी कम्प्लीटली इराडिकेट हो गई थी एंड दैट इज़ वॉज कॉल्ड एज ग्रीन रेवोल्यूशन तो उसको हम पूरे उस पूरे प्रोसेस को हम एक टर्म दे, दे देंगे ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी नाउ कम्स ब्लू बायोटेक्नोलॉजी अगेन ब्लू का मतलब क्या हुआ नीला नीला का मतलब हुआ वाटर अगर आप इसको इस तरीके से को करें तो ब्लू बायोटेक सिंपली मीन्स कि जब हम बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस को एक्वाकल्चर में या मराइन ऑर्गेनिजम्स में इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे ब्लू बायोटेक्नोलॉजी का नाम दे देते हैं नेक्स्ट इज़ वाइड बायोटेक्नोलॉजी वाइड बायोटेक्नोलॉजी एक ओवरऑल व्यू है कि हम इंडस्ट्रीज़ में कैसे हम बायोटेक का एप्लीकेशन करें फ़ॉर एग्जाम्पल हमको एन्ज़ाइम्स बनाना है एन्जाइम्स बनाने हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प करेंगे फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस जैसे अगर हमने कुछ इंडस्ट्रीज ली फॉर एग्जाम्पल डिटर्जेंट्स डिटर्जेंट या फिर पेपर पल्प ले लिया सपोज पेपर इंडस्ट्री लिया देन केमिकल इंडस्ट्री लिया तो अब केमिकल इंडस्ट्री के केस में क्या हुआ कि अगर किसी भी केमिकल इंडस्ट्री ने सोप बनाया या डिटर्जेंट बनाया तो उस डिटर्जेंट हमारे घर में रहता है डिटर्जेंट तो डिटर्जेंट में क्या होता है कि इंजाइम प्रेजेंट होता है प्रोटीएसिस। इज एन एन्जाइम कॉल्ड एज प्रोटी तो ये इंजाइम जो है हमारे कपड़ों पे जो भी स्टेन्स लगते हैं प्रोटीन कोडेड स्टेन्स प्रोटीन कोडेड स्टेन्स मतलब जो भी स्टेन में अगर प्रोटीन कॉम्पोनेंट है फॉर एग्जाम्पल कि हमारा ब्लड स्टेन आ गया तो ब्लड इज प्रोटीन तो उससे जो है अगर हमारे कपड़ों में कोई भी स्टेन लग रहा है तो जब वो कपड़ा उस डिटर्जेंट से एक्ट करेगा तो दिस इंजाइम दिस प्रोटीज इंजाइम विल एक्ट अपॉन दैट स्टेन एंड कॉज अ डिग्रेडेशन ऑफ दैट स्टेन तो ये वाइट इंडस्ट्री जो हम मैं बोल रही हूँ वाइट बायोटेक्नोलॉजी वाइट बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली क्या करती है इन सारे एंजाइम्स का प्रोडक्शन कराती है एक हायर अमाउंट में ये एक एग्जाम्पल था इससे बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं तो उन सारा को क्लब करके वो एक वाइट बायोटेक्नोलॉजी का नाम दे दिया गया ओके ओके नाव हम बात करेंगे द एप्लीकेशंस बायोटेक्नोलॉजी के एज़ आई मैंशन अर्लियर कि बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा फील्ड है किसी भी एक जगह पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है आप उसको हर जगह हर डोमेन हर एरिया में देखेंगे अपने आसपास फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ हेल्थ केयर हेल्थ केयर में भी आप बायोटेक का एप्लीकेशन देख सकते हैं जैसे कि मैंने पुरानी स्लाइड में आपको पिछली स्लाइड में आपको क्या बोला था कि वैक्सीन बन रही है कोविड की सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इज आई ऑल्सो मैंशन अबाउट एग्रीकल्चर इन द प्रीवियस लाइट जब मैंने सॉक्टर स्वामीनाथन का मैंशन किया था वहाँ पर मैंने क्या कहा था कि नाइनटीन सिक्सटीज में बहुत ज़्यादा फूड क्राइसिस हो गया था इंडिया में सो इन दैट केस हाईब्रिड एच वाई हाईब्रिड जो है वीट और राइस की जो हाइब्रिड सीड्स थी वो इंडिया लाई गई थी फॉर द प्रोडक्शन ताकि फैमिन इंडिया का कंप्लीटली इराडिकेट हो जाए तो ऑल दोज कम्स अंडर फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर नाउ द थर्ड डिस्कशन विल बी अबाउट इन्वायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन हम इन्वायरमेंट में कैसे कर सकते हैं कैसे हम क्लीन एनर्जी या क्लीन इन्वायरमेंट अपना बना सकते हैं तो इन्वायरमेंट में केस में आपने जैसे कि रिसेंटली आपने सुना होगा कि जल शक्ति मिशन इस्टेबलिश हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक यू नो मस्ट्री सेटअप करी है जो कि रिवर गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ को मोनिटर करा जाएगा तो उसको क्यों मोनिटर करा जाएगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पल्यूटेड है चाहे वो गंगा कानपुर की हो चाहे वो ओरिजिनेट करी हो हो से उत्तराखंड से वहाँ पे भी वो कहीं कही ना कहीं कुछ ना कुछ पल्यूशन है सो so, उन सारे पल्यूशन को या रिमूव करने के लिए जो बायोटेक का एप्लीकेशन है वो कैसे होगा फॉर एग्ज़ाम्पल एक यू you नो know, एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जिसको कि हम बैक्टीरियो फेज नाम देते हैं सो so, इसका नाम है नॉ दिस बैक्टीरियो फेज ये एक वायरस है तो जब बैक्टीरियो अब एक कोई वाटर बॉडी सपोज हमने एक पॉन्ड ले लिया एक स्मॉल वाटर बॉडी लिया तो अगर उस वाटर बॉडी में हमने इस वायरस को डाल दिया और इसमें यहाँ पे इस वाटर बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं तो ये बैक्टीरियो फेज क्या करेगा ये बैक्टीरियो फेज उन बैक्टीरिया को डिग्रेड कर देगा या फिर उसको अप कर लेगा तो इससे क्या होगा कि वो पूरा जो एरिया है वाटर बॉडी का वो क्लीन हो जाएगा सो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल ये लार्ज स्केल में हम नहीं कर सकते बट छोटी जगह पे इसका एप्लीकेशन है तो इट विल ऑल कम अंडर इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी ओके नाउ इफ आई टॉक अबाउट फोरेंसिक फोरेंसिक केस में आपने अपने चैनल्स में या बहुत जगह आपने टीवी में देखा होगा क्राइम पेट्रोल एक सीरियल आता है जिसमें कि आपको दिखाते हैं कि क्राइम सीन हो रहा है एंड पीपल आर टेकिंग दैट डीएनए फॉर यू नो कि मैच करवाना है कि नहीं कराना है कलपरेट कौन है तो ये सारा एक फोरेंसिक का डिपार्टमेंट है जो हम जिसमें एप्लीकेशन हम बायोटेक का यूज़ करें अब ये फॉरेंसिक क्या है फॉरेंसिक का एक एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ कि एक क्राइम सीन हुआ है उसमें किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है और आपको किसी पे भी शक है तो जिसका मर्डर हुआ है हमने उसका डीन डी ले लिया है या जीन ले लिया है अब डीएनए आप कहाँ से लेंगे आप बाल से भी ले सकते हैं आप उसका बाल ले लिया आपने उसके नेल्स ले लिए उससे हमने जब डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया और जिससे भी हमें शक है कि इसने किसी का मर्डर किया है तो उसका भी हमने डी एक्सट्रैक्ट कर लिया तो इन केस ऑफ फोरेंसिक क्या है जब वो दोनों डी मैच कर जाते हैं दैट इज़ द विक्टम एंड द कल्प्रिट के डी मैच कर जाएंगे दैट मीन्स कि उसी इंसान ने उसका मर्डर किया है बट अगर वो डीएनए मैचिंग नहीं हो रही है तो वो इंसान ने उसका मर्डर नहीं किया समबडी एल्स हैज़ डन डैट तो उस पूरी टेक्नोलॉजी को हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं एंड इट इज़ वेरी फेमस टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ करते हैं फॉर एवरी थिंग यानी कि पेटर्निटी के केस में भी यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें ये डिटर्मिन करना होता है कि अगर एक कोई चाइल्ड है उसके पेरेंट्स अनुन हमें जानना है कि यू नो जेनेटिकली वो किसको बिलोंग करता है तो उस बेबी का हमने डीएनए लिया और उसके पेरेंट्स का हमने डीएनए लिया अगर वो डी दोनों के मैच कर गए डैट मीन्स वो दोनों यू you नो know, वो उन्हीं का बच्चा है अगर मैच नहीं किया तो वो किसी और का बेबी है सो ऑल दिस कम्स अंडर फोरेंसिक नाउ इफ आई टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल के केस में क्या होता है कि हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज देखी हैं लाइक केमिकल इंडस्ट्रीज पेपर पल्प इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ उसमें बायोटेक्नोलॉजी को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बोला था कि प्रोटीएस एंजाइम है जो कि डिटर्जेंट्स में प्रेजेंट होता है अगर हमें उसे बनाना है यानी कि प्रोटीएस का प्रोडक्शन हमें बहुत ज़्यादा करना है ओके okay? तो वो किस इंडस्ट्री में आ जाएगा वो आ जाएगा केमिकल इंडस्ट्री में और हम कुछ केमिकल्स भी बना रहे हैं जो एक या तो कपड़े में यूज़ हो रहे हैं या फिर यू you नो know, किसी भी एप्लीकेशन में यूज़ हो रहे हैं या हम उसको फ्लोर पे यूज़ कर रहे हैं कुछ केमिकल्स को फ्लोर को क्लीन करने के लिए तो ऑल दैट थिंग विल कम अंडर इंडस्ट्रियल तो वो बायोटेक्नोलॉजी को हम कैसे यूज़ करते हैं उसके एप्लीकेशन या लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं फॉर इंडस्ट्रियल स्केल एक इंडस्ट्रियल पर्पज में तो वो इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आ जाएगा लास्ट वन इज़ ट्रांसजेनिक्स अब ये ट्रांसजेनिक क्या है ट्रांसजेनिक आई होप आप लोगों ने ये वर्ड सुना हो और नहीं भी सुना है तो ट्रांसजेनिक को हम जी भी कहते हैं आओ, जी एम ओज़ व्हाट इज इज़ जी एम ओज़ जी एम ओज स्टैंड फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब क्या है मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में आई टोल्ड यू अबाउट मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जहाँ पे हम डीएनए को ऑल्टर करते थे डीएनए हर इंसान का एक बेसिस है इट इज़ अ जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म तो जब हम डीएनए के लेवल पे डीएनए लेवल पे जब हम ऑल्ट्रेशंस कर रहे हैं और कुछ भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो ऑल दैट विल कम अंडर ट्रांसजेनिक्स अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पूछेंगे तो फॉर एग्जाम्पल ये एक एक ऑर्गेनिज्म वन है एंड इज एन एन ऑर्गेनिज्म टू इस ऑर्गेनिजम में कुछ जीन्स हैं इस ऑर्गेनिजम में कुछ एक पर्टिकुलर जीन्स हैं अब मैंने क्या किया इस ऑर्गेनिज्म की ये जीन निकाल के इस सेकेंड ऑर्गेनिज्म में डाल दिया तो यहाँ का जीन जब इस ऑर्गेनिज्म में गया तो वो फॉरेन रहेगा मतलब कि किसी और का मटेरियल जब आप किसी और बॉडी में डालते हैं तो वो फॉरेन हो जाता है दिस जीन विल बी फॉरेन टू दिस सेकंड ऑर्गेनिज्म तो ये जो ऑर्गेनिज्म का नाम हो जाएगा जिसको हम कह देंगे ट्रांसजेनिक हो गया है वो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया है क्यों ट्रांसजेनिक हो गया क्योंकि उसने फॉरेन डीएनए अपने अंदर ले लिया है ना व्हाट इज फॉरेन डीएनए फॉरेन डीएनए का मतलब ये होता है कि वो खुद का डीएनए नहीं उसकी खुद की बॉडी का डीएनए नहीं है वो किसी और का डीएनए दैट इज़ कॉल्ड एज फॉरन डी तो ये पूरी चीज़ ट्रांसजेनिक कहलाती है या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहलाती है अब अगर मैं ट्रांसजेनिक की एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो वन ऑफ द एग्ज़ाम्पल इज़ बीटी कॉटन और गोल्डन राइस ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं जो जी में आते हैं अब गोल्डन राइस क्या है गोल्डन राइस आपने बहुत सुना होगा बहुत यू नो ह्यू एंड क्राई हुआ था कि गोल्डन राइस को नहीं खाना है इसमें कुछ प्रॉब्लम है बट क्या था गोल्डन राइस गोल्डन राइस में जब जेनेटिकली इस राइस को मॉडिफाई किया गया था तो उसमें वाइटामिन ए की एफिशेंसी हमने बढ़ा दी थी मतलब राइस में वाइटमिन ए डेफिशिएंट था और कुछ एरियाज़ में वो बहुत ज़्यादा मेल न्यूट्रिशन था मतलब बहुत लोगों कुछ जगहों में कुछ रीजन्स में अगर आप उड़ीसा साइड जाएंगे तो वहाँ पे स्टेपल फूड हो जाएगा राइस या और ज़्यादा आप यू नो इंडिजीनियस वेज़ में जाएंगे पूरा जो इंडिजीनियस साइड में जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा कुछ जगह पर स्टेपल फूड होता है राइस तो राइस सिर्फ अगर लोग राइस खा रहे हैं तो उनको वाइटमिन ए नहीं मिल रहा तो ऑब्वियसली उनकी आईसाइड वीक हो जाएगी तो उस केस में गोल्डन राइस में क्या हुआ था कि उसको जेनेटिकली हमने मॉडिफाई किया था और वाइटमिन ए का क्वांटिटी एफिशिएंसी उसकी ज़्यादा बढ़ा दी थी तो जब उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई थी तो उसको हमने बोल दिया था गोल्डन राइस अब गोल्डन राइस इज़ नॉट डेफिनेटली गोल्डन इन कलर बट एक टर्म दे दिया गया है गोल्डन राइस तो ये ट्रांसजेनिक का ही हिस्सा है तो यू कैन सी पिक्चर्स य बेसिकली आप ये देख सकते हैं कि ये काओ का एक पिक्चर है जो कि इसके सेल्स को हम मॉडिफाई कर रहे हैं और ये एक अलग ही तरीके का क्लोन बन के आ रहा है मतलब इसमें डीएनए इस दूसरे काओ का है जो कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गई है और राइट सो ये एक पिक्चर था इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में आप ये देख सकते हैं कि एयर पल्यूटन्स कैसे हम क्लीन अप कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके सो ऑल दैट विल कम अन द इंडस्ट्रियल ओके सो दीज़ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी तो वो हर डोमेन में हर हर एरिया में आप बायोटेक को कैसे यूज़ कर सकते हैं वो इन सारे एक ब्रॉड बॉर्डर एरिया में हमने इसको डिस्क्राइब कर दिया है नेक्स्ट इज़ बायोटेक इंडस्ट्रीज़ अब अभी तक हमने ये देखा था कि बायोटेक्नोलॉजी क्या थी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या थी ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी क्या थी उसके एप्लीकेशंस क्या थे उनको कलर कोडेड पे हमने कैसे नाम दिया कि किस जगह पे कौन सा यूज़ हो रहा है तो हमने बोल दिया रेड है ग्रीन है ब्लू है एंड वाइट है नाउ वील टॉक अबाउट बायोटेक इंडस्ट्रीज़ तो रिसेंटली अगर आप अपना डेटा सर्च करें गवर्नमेंट का तो आपको ये पता चलेगा कि इंडिया इज़ वन ऑफ़ द टॉप ट्वेल्थ डेस्टिनेशन फॉर बायोटेक्नोलॉजी वर्ल्ड वाइड यानी कि इंडिया ने भी अपना एक मार्क क्रिएट कर लिया है ग्लोबली जहाँ पे बायोटेक के रिसर्च हो रहे हैं और एट प्रेजेंट देर आर मोर दैन टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड बायोटेक स्टार्टअप्स अब स्टार्टअप्स क्या होते हैं स्टार्टअप्स का मतलब ये होता है कि आप यू नो यू आर एक्टिंग लाइक अट्जैक्टली एक्टिंग यू आर अ बेसिकली एन एंटरप्रीनोर आपने खुद का बिजनेस स्टार्टअप कर दिया बायोटेक का यूज़ करके बायोटेक्नोलॉजी को आपने अपना प्रोफेशन बनाया आपने अपना एक स्मॉल बिजनेस सेटअप कर दिया जहाँ पे सिर्फ कमर्शियल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी तो उनको हम स्टार्टअप बोलते हैं तो एट प्रेजेंट दे आर मोर दैन टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड बायोटेक स्टार्टअप्स इन द कंट्री और अगर हम इंडियन बायोटेक इंडस्ट्री की बात करें तो इसका एक प्रडिक्शन है कि वो 150 बिलियन हो जाएगा उसका 150 बिलियन रीच कर जाएगी इंडियन बायोटेक बाय 2025 ये एक प्रडिक्शन है अब होता है कि नहीं होता लेट सी बट इट इज़ प्रिडिक्टेड लाइक दैट इनिशियली क्या था कि 3 परसेंट ग्रोथ रेट था 2018 में ये आपको एक ग्राफ से पता चलेगा Now दिस इज़ द ग्राफ ग्रोथ रेट है इंडिया में बायोटेक इंडस्ट्री का और ग्लोबली बायोटेक इंडस्ट्री का क्या है प्रीवियस लाइड में मैंने क्या बोला था कि 2025 तक ये प्रडिक्शन है कि इंडिया के केस में 150 फिफ्टी बिलियन उसका बायोटेक इंडस्ट्री का वैल्यू होगा तो दिस इज़ द फाइनेंशियल ईयर ये टू से लेकर टू तक ये फ़ाइनेंशियल ईयर्स हैं जिन पर हमने ग्राफ ड्रॉ किया है और ये उसकी वैल्यूज़ हैं में बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ की जो है बिलियंस में वैल्यूज़ हैं तो एज़ यू कैन सी कि 2017 में ये अराउंड 25 था और ये ग्रो करके अप टू तो 2025 इट वुड बी 150. तो ये एक तरीके से आप पूरे ग्राफ में ये देख सकते हैं कि ब्लू लाइन जो ब्लू बार्स हैं बार चार्ट में ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ग्लोबल सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये फाइनली ग्रो कर रहा है फ्रॉम ज़ीरो इट इज़ बी अप टू वन तो कह सकते हैं आपकी ग्लोबल बायोटेक इंडस्ट्री या इंडियन बायोटेक इंडस्ट्री बायोटेक इंडस्ट्री ओवरऑल एक ग्रोइंग फील्ड है और वो अपकमिंग ईयर्स में कम्प्लीटली ग्रो करेगी सो इट इज़ इम्पेरेटिव कि वो ग्रो करना ही है उसे नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट दी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स कि अभी मैंने जो ग्राफ आपको दिखाया था ये गवर्नमेंट डेटा से था मैंने गवर्नमेंट साइट से लिया था नाओ द गवर्मेंट इनिशिएटिव क्या है गवर्नमेंट हमारी बायोटेक को प्रमोट करने के लिए क्या कर रही है कितना पैसा लगा रही है और वो क्या एक्चुअली में चाहती है कि हम प्रमोट करें बायोटेक को क्यों नहीं तो इन द यूनियन बजट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन और टू थाउजेंड ट्वेंटी टू के बजट में क्या हुआ है कि ऑलमोस्ट वन थाउजेंड अबव करोर्स बायोटेक्नोलॉजी के लिए गवर्नमेंट ने एलोकेट किए हैं अब बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च फील्ड्स बहुत सारे हो सकते हैं आप मेडिकल के केस में रिसर्च कर सकते हैं आप आर एन डी में जा सकते हैं आप जो है एक यू नो कॉलेज में रिसर्च कर सकते हैं जो कि रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं तो उन्होंने ये पूरा फंडिंग किया है और गवर्नमेंट ने एक प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना लॉन्च करी है फॉर द प्रमोशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया नाउ द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो सेटअप नाइन बायो सेफ्टी लेवल्स थ्री ना वॉट इज बी एस एल थ्री बी एस एल थ्री ये मैंने जो बोला है बायो सेफ्टी लेवल थ्री इसमें बहुत सारे लेवल्स होते हैं वन टू थ्री एंड फोर अब अगर मैं थ्री की बात करूं तो बायो सेफ्टी लेवल्स में क्या होता है कि एक कंपार्टमेंट होता है या एक कैबिन होता है सपोज दिस इज़ अ कैबिन अब यहाँ पे आप बायोटेक की या आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो इसका पूरा इन्वायरमेंट एकदम पैक्ड होता है अगर ये पैक्ड नहीं होगा तो आप जो भी रिसर्च कर रहे होंगे वो आपकी हेल्थ को यू नो इट वुड बी लीथल फॉर योर हेल्थ क्योंकि अगर आप माइक्रो ऑर्गनिज्म या किसी पर भी काम कर रहे होंगे और बी एस एल थ्री नहीं है तो वो क्या करेगा कि आपकी बॉडी के लिए लीथल होगा आपके आसपास वालों के लिए लीथल होगा इट विल ओवेंचली रिजल्ट इन योर डेथ तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कि ऐसा कुछ ना हो उन्होंने बी एस एल थ्री लेबॉरट्रीज़ बहुत ज़्यादा जो हैं स्टैब्लिश करी हैं सेटअप किया है तो ये सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से प्रमोट करने के लिए हुए हैं इन द यस नाओ द मच अवेटेड प्रोफाइ मच अवेट स्लाइड कि हमने अभी तक ये जो पढ़ लिया है कि बायोटिक क्या है एप्लीकेशन क्या हैं उनका क्या यूज़ है बट यू नो लोगों के मन में तो ये होता है कि हम इतना पढ़ लें बट क्यों पढ़ें तो उसको पढ़ने के बाद आपके जॉब प्रोफाइल्स क्या होंगे आप फूड इंडस्ट्रीज़ में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में यूनिवर्सिटीज़ में मेडिकल इंस्टीट्यूशनस में रिसर्च लेबॉरट्रीज़ में इन सारी जगहों पर आप काम कर सकते हैं तो आप क्या क्या जॉब प्रोफाइल होगा आपका यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज़ में आपका प्रोफाइल हो सकता है एज़ अ रिसर्च स्कॉलर एज़ अ फैकल्टी इन एक्वा कल्चर इंडस्ट्रीज़ इन फार्मास्यूटिकल और फ़ूड इंडस्ट्रीज़ में आपको एक पोजिशन मिल सकती है जहाँ पे कि आप आर एन डी कर सकते हैं एग्रीकल्चर में आपको एक देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आप यू you नो know, नया इनोवेशनस कर सकते हैं आपको मेडिकल uh, इंस्टीट्यूशंस में काम करने का मौका मिल सकता है जहाँ पे बहुत सारी पैथोलॉजिकल लैब्स होती हैं जो टेस्ट करवाती हैं फॉर एग्जांपल अभी करंट सिनेरियो में आरटीपीसीआर के टेस्ट हो रहे हैं आपको वहाँ पे जॉब प्रोफाइल मिल सकता है uh, और वैसे ही बहुत सारी रिसर्च लेबॉरिटरीज़ हैं जो बहुत यू you नो know, हर तरीके की रिसर्च कर हैं इन द फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट सी सी एस आई आर की बहुत सारी लेबॉरटरीज हैं वन ऑफ देम ए सी सी एम बी जो हैदराबाद में है वहाँ पर सेल के बेसिस पे रिसर्च होती है तो वहाँ पर आपको जॉब प्रोफाइल मिल सकता है तो ओवरऑल आइडिया हैज़ कि बायोटेक्नोलॉजी हर डोमेन को कवर कर रहा है तो जॉब्स की कमी नहीं है नाउ इफ़ आई से कि इन सब जगह पर काम करने के बाद आपको सैलरी कितना मिलेगा तो सैलरी वुड रेंज फ्राम टू लैक्स टू फोर्टी थाउजेंड टू लैक्स फोर्टी थाउजेंड से अप टू टेन लैक्स के करीब हो सकता है इट इज़ एन एवरेज वैल्यू ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो बट ये एक एवरेज आइडिया है और विथ एक्सपर्टीज और आप जितना इस पर इस सब्जेक्ट पे अपनी कमांड करेंगे जितना आपका एक्सपर्टीज बनेगा आप जितना नॉलेज गेन करेंगे आपका पैकेज उसके अकॉर्डिंगली बढ़ता चला जाएगा सो आई होप कि आपको मेरा ये सेशन पसंद आया होगा और आपको कुछ आइडिया लगा होगा कि वॉट बायोटेक्नोलॉजी इज़ एंड आई होप कि आप बहुत जल्द बायोटेक के कॉलेज में एडमिशन लें और हमारी फ्यूचर इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करें सो थैंक यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ